प्रिय रंजन, और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं संवर्धन मदरसन स्टॉक के बारे में। आज इस स्टॉक में 3% की तेजी दिखी। वैसे तो स्टॉक ने पिछले 1 ईयर में काफी बेटर रिटर्न दिए हैं, और यहाँ देखेंगे तो नियर अराउंड 80% के रिटर्न देखने को मिला है। मेरे व्यूज अभी भी इस स्टॉक को लेकर के काफी स्ट्रॉन्ग है, और आज जो इस स्टॉक में ये तेजी दिखी है, आज जो इस स्टॉक में 3% की तेजी दिखी है, इसके पीछे के एक वैलिड और सॉलिड रीजन है। मुझे ऐसा लगता है ईवी को लेकर के काफी कंपनी ने एक्सपेंस करे हैं, काफी एक्विजिशन हुई है, और ये लंबे रेस का घोड़ा है। यहाँ सबसे पहले इसके तेजी के पीछे के कारण को फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ जो न्यूज निकल करके आ रही है ये देखेंगे। 16 अक्टूबर का ये न्यूज है। ये न्यूज ये है कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, यहाँ देखेंगे संवर्धन मदरसन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि एलएलसी है, अबू धाबी इनकॉर्पोरेट एज अ डायरेक्टली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ मदरसन लिमिटेड जो कि संवर्धन मदरसन लिमिटेड है, ईवी को लेकर के अभी अबू धाबी में अगेन एक कंपनी जो है इसके सब्सिडरी जिसको ये ऑन करती है वो इनकॉर्पोरेट करा गया है। और जिस प्रकार से न केवल अबू धाबी अरब के तरफ हमने देखा, अमेरिका और यूरोप के अंदर भी कंपनी ने काफी सारे एक्सपेंशन करे। इससे पहले यहाँ 11 अक्टूबर की न्यूज देखिए कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल हैज इनकॉर्पोरेटेड अ न्यू डायरेक्ट होली ओन्ड असेट्स होल्डिंग सब्सिडी कॉल्ड मदरसन ग्रुप इन्वेस्टमेंट यूएसए, यूएसए के अंदर। इससे पहले भी देखेंगे तो बहुत सारे एक्विजिशन हुए, नंबर्स काफी आउटस्टैंडिंग थे, जो रेवेन्यू के प्रोस्पेक्टिव से देखें या फिर यहाँ देखेंगे प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू, दोनों नंबर्स ही काफी फेवरेबल रहे थे। स्टॉक के जो टेक्निकल ट्रेंड्स हैं वो काफी आउट परफॉर्मिंग रहा है, पिछले 3 मंथ से अंडर परफॉर्म है, कंसोलिडेट है एक बड़े ट्रेंड के बाद। और जो डिलीवरी इस स्टॉक में है वो डिलीवरी काफी बेटर डिलीवरी काफी लंबे समय से, यहाँ देखें कि हर गिरावट पे हर डीप पे स्टॉक में 70% तक के डिलीवरी जा रहे हैं, यानी कुछ लोग हैं जो इस स्टॉक को बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो स्टॉक के जो हाई रहे हैं, ये मैं मंथली डाटा निकाल करके आपके लिए लाया हूँ, ये डाटा मंथली है, और मंथली हाई रहा 100। वॉल्यूम काफी कंसोलिडेट रहे, वॉल्यूम कुछ भी नहीं रहा, यानी इस हाई को जो है हम ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं लेंगे। हम इंपोर्टेंट लेंगे किसको, जहां वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हो, तो ना ही हाई पे वॉल्यूम बनते, यहां देखेंगे ना ही 100 के प्राइस पे हमको वॉल्यूम दिखा, और ना ही जो लो बना है उसके प्राइस पे वॉल्यूम दिखा। आखिर ये दोनों हाई और लो रहे हैं लो वॉल्यूम प्राइस पे, तो वॉल्यूम कहां बना, यहां देखेंगे वॉल्यूम कब बना, वॉल्यूम इस लोअर प्राइस के बाद बना, और स्टॉक के ट्रेंड रहे अपर। इससे पहले एवरेज वॉल्यूम के कंपेरेटिवली वॉल्यूम कहां बना, वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बना यहां, ये जो आपको दिख रहा है यहां बना वॉल्यूम, और यहां देखेंगे कि स्टॉक के जो ट्रेंड रहे थे ये रहे थे कंसोलिडेट, पहले वॉल्यूम के बाद ट्रेंड रहा कंसोलिडेट, तो स्टॉक ने लोअर प्राइस टच करे, और इस समय लोअर प्राइस के टच करने के बाद जो वॉल्यूम बन रहा है, इस वॉल्यूम के बाद स्टॉक के ट्रेंड अपर साइड जा रहे हैं। यहां देखेंगे हायर वॉल्यूम बना, ट्रेंड कंटिन्यू अपर साइड गया, और इस समय 97 जो रिसेंट के हाई के प्राइस दिख रहे हैं। एक बार चार्ट को देखें, जो लोअर प्राइस रहा था, यहां देखेंगे जो लोअर प्राइस रहा था वहां से स्टॉक ने दिए कितने परसेंट के रिटर्न, वहां से स्टॉक ने दिए नियर अराउंड 60% के रिटर्न। उसके बाद आप देखेंगे इस स्टॉक को तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि 60% के रिटर्न देने के बाद स्टॉक पिछले 3 मंथ से, ये 3 महीने से 90 से लेकर के 98 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है नियर अराउंड 90 डेज। और जब इस ट्रेंड के जितने भी सप्लायर थे वो यहाँ पे खुद को एग्जिट करेंगे, जो वीक हैंड ट्रेडर होते हैं, और यहाँ इस जोन को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद जो टारगेट दिखेगा वो टारगेट हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और ये टारगेट देखेंगे कि अर्लियर यहाँ पे डबल टॉप ब्रेकडाउन दिखा था, क्या दिखा था, डबल, यहाँ पे जो दिखा था वो था डबल टॉप और ब्रेकडाउन, और इस ब्रेकडाउन के बाद रिस्क रिवार्ड जो है वो काफी फेवरेबल है। यहां देखेंगे
तो इसमें जो रिस्क अपने को आ रहा है वो रिस्क आ रहा है 13 रुपीज पर शेयर का, अगर आप 84 के नीचे के एसएल को लेते हैं। मैं तो ऐसे स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ही कहूंगा, और जो टारगेट है वो 140 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं, जो कि रिवार्ड लगभग 1:3 के आसपास का आ रहा है। और यहाँ एक चीज देखें कि ये जो लोअर लो लोअर हाई के ट्रेंड थे इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो इजिली ये लेवल आपको नेक्स्ट 6 to 9 मंथ में देख सकता है। और अगर लंबे होरिजन के टारगेट की बात करें तो एक बार मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे लेता हूं, और मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट भी देखेंगे तो इसी के आसपास का है। और आप यकीन मानिए कि जब ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट काफी फेवरेबल होता है। ऐसे ब्रेकआउट जो है, यानी आप यकीन मानिए कि यहां से जो आपको ये ट्रेंड दिखा है, इस ट्रेंड को आप अगेन यहां से एक बार ले लीजिए, और आप मान करके चलिए कि 220 तक के लेवल्स दिखेंगे, जो इस प्राइस से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से लगभग लगभग जो है 140% तक का रिटर्न्स निकल करके आता है। तो आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा, कुछ भी आगे की क्वेरी हो तो